हम ना बॉलीवुड देखकर बड़े हुए हैं और बॉलीवुड की लव स्टोरीज में एक बात कॉमन है, लड़का और लड़की मिले, उन्हें प्यार हुआ, वो अलग हुए और फिर से एक हो गए एंड में, हैप्पी एंडिंग। पर इट्स नॉट दी एंड, इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, वो क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। कपल्स के बीच में ना फाइट होना इज अनअवॉइडेबल और एज पर अ सर्वे 35-40% ऑफ डिवोर्सेज इसलिए होते हैं क्योंकि रीजन पैसा होता है, पैसे से रिलेटेड फाइट्स होती है। ये तो ना एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था, बट एज पर स्टडीज भी इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज में ना मोस्टली फाइट्स पैसे से रिलेटेड होती है। एक तरफ ये एग्जाम्पल है नेगेटिव वाले, बट दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी है लाइक विराट अनुष्का या फिर नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति, जिन्होंने अपनी कंपनीज बना दी या फिर अपने अपने करियर में बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को पुश करके अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। कपल्स के बीच में ना कुछ मनी रूल्स तो होना ही चाहिए ताकि वो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सके। हाई, आई एम प्रियांशी सिक्ट्री। अगर अमेरिका होता या वेस्टर्न कल्चर होता तो आई वुड हैव सेड इजीली कि आप 50-50 एक्सपेंसेस करो और अपना बैंक अकाउंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब अलग रखो। बट बिकॉज ये इंडिया है जहां हम जॉइंट फैमिलीज में होते हैं या न्यूक्लियर भी होते हैं तो भी शेयरिंग में बिलीव करते हैं, तो हम कैसे रूल्स फॉलो करें जिसके थ्रू हम खुश भी रहे और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। पैसे के ना सबके अपने मायने होते हैं। मेरे लिए पैसे के मायने एक गुची का बैग हो सकता है, एक अच्छे फुटवेयर्स हो सकते हैं, वही मेरे हस्बैंड के लिए एक रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वैसे ही आपके पार्टनर के लिए पैसे से रिलेटेड अपनी कोई फीलिंग होगी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से डिराइव हुई होगी, इसीलिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर दूसरी बातें करते हैं कि कहाँ जाना है, इस ट्रिप को प्लान करना है या नहीं करना है, वैसे ही पैसे से रिलेटेड बातों को बहुत ही जनरलाइज करना चाहिए। इतना टैबू क्यों है इंडियन फैमिलीज में पैसे को डिस्कस करना? लेट्स जनरलाइज दिस, लेट्स नॉर्मलाइज दिस, मेक इट अ डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशन। आपके और आपके पार्टनर को ना बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना चाहिए कि क्या पास्ट में कोई डेट्स है जिसको रीपे करना है, या फिर फ्यूचर में क्या कोई और ड्रीम्स है, लाइक हो सकता है उन्हें एक स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, मे बी दे आर करंटली वर्किंग बट दे स्टिल वॉन्ट टू मेक अ स्टार्टअप, या फिर आपका कोई ऐसा प्लान कि आपको 5 years के बाद घर खरीदना है और उनका प्लान है कि नहीं घर तो हमेशा रेंट पे रखना है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जैसे कि पास्ट के डेट्स, फ्यूचर के इनकम गोल्स, फ्यूचर के ड्रीम्स, ये आपको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइट तब होगी जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपको अपने फाइनेंसेस मिक्स करना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, जस्ट लाइक US या वेस्टर्न कल्चर? तो इस पे ना बहुत सारी स्टडीज़ है जो बोलती है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को कंबाइन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप साथ मिलकर टैक्स बचा सकते हो, वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, और तो और आप जब साथ मिलकर डिसीजन लोगे तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो कपल्स के 4 बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक सेविंग्स अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और 2 उनका खुद का पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट्स। अब इन इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्या होना चाहिए जब सेविंग अकाउंट ऑलरेडी है? तो इन इंडिविजुअल अकाउंट्स में कुछ नॉमिनल मनी अवेलेबल होना चाहिए सो दैट वो अपने अपने इंडिविजुअल स्पेस मेंटेन करके अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सके। लाइक इफ माय हस्बैंड वांट टू बाय अ कार, ही माइट बाय इट, एंड इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन सम कोर्सेस, आई माइट टेक इट। बट जो 2 अकाउंट्स है जो आपके जॉइंट है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड हर डिसीजन साथ में मिलकर ही आपको लेना चाहिए, बिकॉज डिसीजन अगर आप ही लेते रहेंगे तो आपके स्पाउस को एक टाइम के बाद लगेगा कि दे आर नॉट हर्ड इनफ, या फिर एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि आप सारा बैगेज आप ही के ऊपर है सारे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस करने का। वैसे तो ना हैप्पी मैरिज का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट स्टिल एक दूसरे को अपनी इंडिविजुअल स्पेस दो, एक दूसरे के ड्रीम्स समझो, साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करो और कोई भी प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करो। ये ना आपको हेल्प करेगा एक दूसरे को फाइनेंशियली पुश करके अच्छे करियर्स और अच्छे एम्पायर्स क्रिएट करने के लिए, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो। सो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर विद योर स्पाउस एंड मेक ऑल द डिसीजन साथ में।